राइट, बाय भाड़े पे ले गॉड। आए, भाड़े पे हाँ लेकर आए भाड़े हैं। पे लेके आ गए, लेबर चौक गए होंगे, लेबर चौक पे हाँ बोला 500 500 रुपए सारे आ जाओ, सब कुछ लूट के आ गए। ठीक है, बिल्कुल पिकाचू विकसित होकर राइचू बन जाता है, तो आप भी सेकेंड ईयर में राइचू बन जाते हो, तो पावर अच्छी आ जाती है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो में मैंने इनवाइट करा है वन एंड ओनली शुभम केशवानी को। तो शुभम केशवानी बेसिकली आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वैसे जैसे मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को ऑडिट पढ़ाता हूँ, वैसे ही शुभम केशवानी जो सर हैं वो ऑडिट को थ्योरेटिकली इंटर और फाइनल्स के अंदर पढ़ाते हैं। तो जो मैं प्रैक्टिकल जो आपको कोर्सेज जो मेरे जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, तो जो उसके स्टूडेंट्स थे तो उनसे मैंने बात करी कि आपको थ्योरी कौन पढ़ाते हैं। तो उन्होंने बताया शुभम केशवानी सर हमें पढ़ाते हैं। तो मेरे को लगा कि यार क्यों ना उनको बुलाया जाए और उनसे समझाया जाए उनकी जर्नी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में डिस्कशन करा जाए। उन्होंने उन्होंने बेसिकली आर्टिकलशिप भी ऑडिट में करी थी, ठीक है। तो उसके बारे में जाना जाए कि उनकी क्या उस समय पे किस तरीके से उनके प्रोसेसेस होते थे, किस तरीके से वो काम करते थे, ठीक है, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजों के बारे में बात करी है इस पूरी वीडियो के अंदर। आपको बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है, पूरी वीडियो में टिके रहिएगा। और शुभम से काफी सारा हमें जो नॉलेज है वो मिलेगी और काफी सारी चीजें जानने को भी मिलेगी शुभम के बारे में। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन की तरफ और शुभम से बात करते हैं। हाय शुभम, वेलकम है यार आपका मेरे चैनल के ऊपर। चलो, थैंक्स अ लॉट तुषार फॉर हैविंग मी, एंड इट फील्स ग्रेट टू कनेक्ट विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज नॉट इन जॉब एंड डूइंग हिज ओन प्रैक्टिस। तो मजा आएगा आपसे बात करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कि जैसे जैसे आपको पता ही है बेसिकली कि मेरा जो मतलब मेरा जो चैनल है वो आप देखोगे मेजरली मैं गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली ऑडिट के ऊपर। तो जनरली मैंने देखा है कि जितने बेसिकली उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है थ्योरी के अंदर, राइट। तो जितने भी चाहे मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, जो मेरे आर्टिकल्स हैं या जो सीएज आते हैं, तो मैं जनरली आपके बारे में काफ़ी सुनता हूँ। तो आपके बारे में काफी सुना, उन्होंने काफी आपकी वीडियो ली हुई है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं उनको प्रैक्टिकली बताता हूँ तो उससे पहले उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेट्स वाई मैंने सोचा कि शुभम को बुलाया जाए, उन्हीं से समझा जाए कि मतलब उनकी जर्नी क्या रही है और उन्होंने इस तरीके से जो मुकाम हासिल करा है। आई थिंक आपको 2 ढाई 3 साल ही हुए हैं टीचिंग के यार दो अंदर। ढाई 3 साल तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। सो आई क्वालिफाइड इन नवंबर 20 एग्जाम ओनली, नवंबर 20 था, तो उसका वो कोविड वाला अटेम्प्ट था, एंड 1 फरवरी 2021 को मेरा रिजल्ट आया था। तो या यू कैन से 2 इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट आज की डेट ओके, में आफ्टर ग्रेट क्वालिफाइंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो शुभम थोड़ा सा मतलब जैसे वैसे तो आपको सारे स्टूडेंट जानते ही हैं, कोई आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक थोड़ा सा आप अपने बारे में एक बेसिक बता सको कि क्या आपने अपनी जिंदगी में उखाड़ा या देखो, उखाड़ा तो कुछ नहीं है, बस है। वही है, एक क्लियर कट पाथ जो दिखाते हैं जनरली स्टूडेंट्स को कि भाई तुमको क्लियर करना है क्लास 12th में एग्जाम्स, कॉलेज जाना है। तो कॉलेज में आई वाज ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इट वाज अमेजिंग जर्नी इन दोस 3 इयर्स। तो कॉलेज किया मैंने, एंड कॉलेज के साथ साथ ही इट वाज अ प्लान कहीं ना कहीं कि आई वांट टू क्लियर CA IPCC आल्सो एट दैट टाइम। तो वो मैंने अपने 5th सेमेस्टर में IPCC के एग्जाम दिए थे बोथ ग्रुप्स, एंड अगेन क्लियर दैट विद ऑल इंडिया रैंक 29। तो वो भी मेरा काफी अच्छा चला गया। बीइंग इन कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज, मेरा ड्रामेटिक्स की तरफ काफी इंक्लिनेशन था, तो मैं ड्रामेटिक्स क्लब का भी पार्ट था। 21 अवार्ड्स मिले थे एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रीट प्ले सोसाइटी, तो काफी अच्छा था। एंड देन आफ्टर कॉलेज ज्वाइंड EY आर्टिकलशिप इन ऑडिट, तो वहां से ऑडिट का एक कारवा अच्छा शुरू हो गया। इवन इन माई CA IPCC आई गॉट 66 मार्क्स इन ऑडिटिंग। सो जहां बच्चे 40s में स्ट्रगल कर रहे होते थे, मेरे 66 आए थे। तो मैंने एक चीज अंडरस्टैंड करी, यार देखो सब्जेक्ट बुरा नहीं है, पढ़ने का तरीका आना चाहिए। सो दैट वॉज द गेम आई रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मैंने फिर उसको सी ए फाइनल में भी अप्लाई किया। एंड सी ए फाइनल में अगेन 2.5 साल क्लियर कंप्लीट हुए, रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 8 भी आ गई। तो वही है, मतलब एज यू से एक वो जो होता है ना, आपका फ्लो बना हुआ होता है ना, आई नेवर ब्रोक दैट फ्लो। जैसे फ्लो चलता जा रहा था, मेहनत चलती जा रही थी, कंसिस्टेंटली लगे हुए थे, बस वो चलती जा रही थी चीजें, एंड या अभी भी बस उसी कारवां को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आफ्टर क्लियरिंग माई सी एग्जाम्स आई ज्वाइन मैरिको, वर्क देयर फॉर 4 मंथ्स एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो रैंकर्स को जनरली इस तरह की पोजिशन मिल जाती है जिसमें दे आर नॉट ओनली फिटेड टू कन्वेंशनल अकाउंटिंग रोल्स और कन्वेंशनल रोल्स ऑफ यू कैन से ट्रेजरी एंड ऑल। तो वो आपको डाइवर्स एक बार फील देने की कोशिश करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में और क्या क्या फाइनेंस फंक्शंस में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो 4 महीने मैंने उनका मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, देन आई रियलाइज्ड कि यार जॉब वाली चीज तो इज नॉट मेंट फॉर मी। मतलब आई वॉज मोर हैप्पी, यू कैन से आई वॉज हैप्पियर वाइल आई वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग थ्रू यूट्यूब। मुझे यूट्यूब के थ्रू बड़ा मजा आ रहा था बच्चों को गाइड करने में,
एंड उस टाइम पे जब मैंने ऑडिट की, मैंने रिवीजन वीडियोस डालनी शुरू की थी। वैसे हम इसके बारे में और बात करेंगे, यू कैन आस्क मी कि कैसे ये टीचिंग की लाइन आई। तो मतलब वहां पे मतलब मुझे लगा कि बच्चों का जो रिस्पॉन्स आ रहा था ना, दैट वॉज गिविंग मी अ बेटर किक और यू कैन से बेटर मोटिवेशन टू वेक अप इन द मॉर्निंग देन द टीम्स कॉल्स एट मेरिको। तो फिर मैंने सोचा यार अब लाइफ में कुछ करना ही है तो वो करते हैं जिसमें खुश है। पैसा तो चलो ठीक है, रात को दाल रोटी ही खानी है, तो ऐसा दैट दैट शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर, राइट? तो फिर उस टाइम पे आई चोज टीचिंग एंड बस हाँ वही अब कारवा चलता जा रहा है। तो शुभम, मतलब ईवाई में, जैसा आपने बताया कि आप पहले ईवाई में थे, वहां पर ऑडिट प्रोफाइल ही थी आपकी, यस, ऑडिट प्रोफाइल थी 3 इयर्स पूरा, और स्टैट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। स्टैट ऑडिट, स्टैट ऑडिट, स्टैट ऑडिट। अच्छा, तो जब ही आपने, आई थिंक टीचिंग के अंदर आप ऑडिट में आना आपने प्रेफर करा, राइट? यस यस यस। सो मैं बताता हूँ ना यार, टीचिंग में ऑडिट में आने के पीछे दो तीन कारण है। पहला कारण, अगर आपने शार्क टैंक देखा हो तो आपको पता होगा कि मतलब व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनीथिंग फॉर द मार्केट, सी टीचिंग में भी क्या है, स्टूडेंट्स आर देयर, टीचर्स आर देयर। सो टीचर्स आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स। नाउ आई रियलाइज्ड कि सीए फाइनल के ना आठों सब्जेक्ट में एवरीवन इज डूइंग गुड वैल्यू एडिशन टू द स्टूडेंट। मतलब अगर मैं एफआर की बात करूं, टीचर्स आर देयर जो आपको इंडियस समझा देंगे, इंडियस प्रैक्टिस करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम गोज विद डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग, इन सब में कोई दिक्कत थी नहीं मेरे को जितना समझ आ रहा था। मुझे ऐसा था कि यहाँ पे जो टीचर्स है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, दे आर डूइंग वॉट दे ऑप्टिमली कैन डू बेस्ट। बट ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट, और लॉ भी ऐसा ही है। लॉ तो मुझे ऐसा लगता था कि लॉ में तो कुछ है ही नहीं, इंटरप्रिटेशन किया, क्वेश्चन निकाला, काम बन गया। बट व्हेन आई टॉक अबाउट ऑडिट, इसको कोई जस्टिस ही नहीं कर रहा था। बड़े बड़े टीचर्स क्या करते थे, मैं बताता हूं। मेरे दोस्त ने ली थी क्लासेस, जितने दोस्तों ने क्लासेस ली सबने कहा पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट। मैं बताता हूँ रीजन, व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो सुबह सुबह आ जाते थे, ठीक है, क्लास में बैठ जाते थे, रीड कर रहे हैं किताब, रीड करके किताब से उनसे नोट्स बनवा रहे हैं। अरे वो तो मैं खुद बना लूं, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो इसमें, ठीक है। अब बच्चे को तो समझाओ तो सही कि आपने ये जो पॉइंट बताया इसका सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है। अब ऑडिट क्या है ना, समझने में आसान है। अगर आप मुझे बोलो कि ये समझना है, समझने में क्या, इंग्लिश ही तो है, अंग्रेजी को हिंदी में किया समझ गए, उसमें क्या हुआ। बट अगर मैं आपको बोलूं SA 200 इज इंटरलिंक्ड विद SA 240, 250, 550 एंड 570, तब आपके दिमाग में थोड़ी बत्ती जलेगी कैसे, दैट विल मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, राइट? ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आर्टिकलशिप कर रखी थी ऑडिट में, तो मुझे लगा यार जो जो मैं वहां प्रैक्टिकली कर रहा हूं ना, वो यहाँ थ्योरिटिकली लिखा है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस दे पाऊं कि यार ये देखो यहाँ प्रैक्टिकली होता है, ये थ्योरिटिकली है, और मैं उनको समझा पाऊं याद कैसे करना है। एक चीज और, ऑडिट में बच्चों को क्या लगता था ना, समझ के जाएंगे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, डन डना डन डन, काम हो गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है। इंस्टीट्यूट को चाहिए कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड्स याद नहीं रखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछा है, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, नॉट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन तुषार और स्टैंडर्ड्स ऑन शुभम केसवानी, हमारी कौन सुनेगा। और वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंडिया में नहीं बने हैं, बाहर से चुराए गए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। तो थोड़ी तो इज्जत करो। उन्होंने लिख रखा है वेदर द अमाउंट इज मटीरियल, आप लिख रहे हो अमाउंट इज इंपॉर्टेंट। अरे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, फर्क मटीरियलिटी से पड़ता है। तो यू नीड टू, देखो पॉइंट क्या ना, अगर आप उस वर्ड को समझोगे तो आपको उसकी अहमियत समझ आएगी, आप उसको याद रख पाओगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो बीइंग अ बॉलीवुड फैन, मैं तो बॉलीवुड के अराउंड ही इनके लिए थोड़ी मेमोरी टेक्निक्स वगैरह बनाता रहता हूँ, ताकि इनको सिर्फ समझना है, याद भी कर ले। एंड या दैट्स गोइंग फाइन टिल नाउ, बढ़िया चल रहा है। आई थिंक यस, आप जैसे बता रहे हैं कि आपने कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करके उसको आपने बताया कि किस तरीके से लिंक करा है। तो मैं आपको ऑनेस्टली, मैं आपको बताता हूँ, मेरी ऑल इंडिया रैंक 47 थी, बट स्टिल आई गॉट 43 मार्क्स इन ऑडिट। मुझे प्रैक्टिकली आइडिया था, बट स्टिल आई गॉट 43, मतलब बीइंग अ रैंक होल्डर, मतलब मेरे ऑडिट में 43। रीजन बीइंग, जैसा आपने बोला कि उस समय पे मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं किसी रिनाउंड टीचर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एज यू सेड सेम ऐसी, मैं गया कि मैंने पैसे दिए, 3 दिन गया हूँ क्लास में, उसके बाद मैंने क्लास ही नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा कि यार इससे बेटर तो घर पे पढ़ लेता मैं सुबह सुबह। क्योंकि उस समय पे तो, जब मैं बात करूँ आपसे 2015-16 की, तो उस समय पे हम लोग उठ के सुबह सुबह 5 बजे जाना पड़ता था हम लोगों को। अभी तो काफी सारी चीजें आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन आ मतलब गई है, तो काफी राइट? कन्वीनियंट हो गया। उस समय तो हमें जाना पड़ता था कोचिंग में 5-5:30 बजे उठ उठ के, तो क्योंकि आपको आर्टिकल शिप भी जाना है 10 बजे, तो
तो वो बड़ा यस चैलेंज रहता था उस समय पर। तो एज यू राइटली सेड, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि यस वहां पर एक गैप था, जो जब भी मेरे को लगता है कि क्यों शुभम केशवानी का एक डंका बजा हुआ है, आई थिंक दिस इज द रीजन। यार, आई फील ना क्या ना, एज अ टीचर ना आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के पढ़ा ही नहीं सकते। एज अ टीचर तो मैं उनको 50 चीजें बताना चाहूंगा, बट क्या आईसीआई वो 50 चीजें पूछ रहा है? क्या वो 50 चीजें 1.5 दिन में रिवाइज कर पाएंगे? सवाल तो ये है ना। राइट राइट राइट, वो डेढ़ मैं तो डेढ़ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के राइट लिए 50 चीजें पढ़ा दूं कि यार मैं तो इंडिया का बेस्ट टीचर हूं, मैं इनको 50 चीजें पढ़ाता हूँ, बट भाई 50 चीजें वो देखो तो सही, वो कंसाइज कैसे करेंगे? ये भी एक दिक्कत थी, मैं बताता हूँ, मटेरियल के साथ दिक्कत थी इनके। मटेरियल बहुत ज्यादा फैला हुआ था ऑडिट का इंस्टीट्यूट। मैंने मैंने खुद देखो आईसीए के स्टडी मटेरियल से पढ़ा था, 3 मॉड्यूल पढ़ी थी। अब वहां पे मैंने हाईलाइटर हाईलाइटर यूज करके उसको एक लेवल पे अपने माइंड में तो कंसाइज कर लिया था, बट बच्चे ये चीज कर नहीं पाते। उनको चाहिए आज की डेट में, मैं एक बात बताता हूँ, जैसे डीटी की बात करते हैं, अब डीटी में आज की डेट में यू टॉक अबाउट बीबी सर, भंवर बोराना सर, पहले किनकी और का नाम चलता था, एग्रीड? अब ये ट्रांजिशन क्यों आया? बिकॉज आप देखो, नाउ जनरेशन इज मूविंग फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस टू इंस्टाग्राम रील्स टू यूट्यूब शॉर्ट्स। इनके पास पेशेंस नहीं है, समझ रहे हो? और ये इनकी गलती भी नहीं है, इनकी जो आप कह सकते हो ना जनरेशन को जो इनपुट्स मिले हैं वो इसी तरह से मिले कि इनके पास पेशेंस है ही नहीं। तो एज अ टीचर मैं इनको नहीं कह सकता तुम मेरे लिए अडेप्ट करो, बिकॉज दैट विल बी वेरी टफ फॉर देम, सो आई राइट हैव टू अडेप्ट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। राइट अब जो ये कर जाएगा उसको ये पसंद कर लेंगे कि यार हाँ ये बढ़िया टीचर, ये हमारे हिसाब से चलता है, ये राइट हमारी नीड पूरी कर रहा है। एंड वही तो काम है, उन्होंने जब आपको फीस दी, जो आपको टाइम दिया, वो इसीलिए तो दिया ताकि वो आपसे सेटिस्फाइड हो सके, ताकि वो अपने साथ बोले जा सके, जिससे वो एग्जाम क्लियर करे। मेन तो बिल्कुल पर्पस बिल्कुल वही है, बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी है। बस राइट राइट वही राइट बेसिक थॉट मेरे को लगता है रखना चाहिए। राइट अच्छा शुभम, थोड़ा सा अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है जैसे हाँ आपको पता है प्रैक्टिकल के ऊपर है तो थोड़ा सा आप मेरे को बताओ कि आप ईवाई में जब ऑडिट करते थे, जब आर्टिकलशिप में, तो क्या एक प्रोसेस क्या रहता था, एक बेसिक थोड़ा सा आइडिया दे सको, मतलब कि क्या प्रोसेस रहता था आपका, किस तरीके से चला जाता था, ताकि जो मैं जो बता रहा हूँ बच्चों को, उनको लगे कि हाँ ठीक है यार, दो तरफ से कंफर्मेशन हो रही है कि जो मैं बता रहा हूँ वो भी ठीक है, शुभम सर ने कंफर्म कर दिया तो इसका मतलब ठीक ही होगा। अरे यार मैं बताता हूँ, ईवाई से ऑडिट करके ना, मतलब आई फील आई डिड द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज मैं जब बात करता हूँ ना छोटी फर्म वालों से, वो बोलते हैं भाई यहाँ तो कोई प्रोसीजर ही नहीं फॉलो होते। बट बिग फोर में एक्चुअली आई हैव सीन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो हमको, मैं तो आर्टिकल था तो मेरा तो स्टार्टिंग में तो इन्वॉल्वमेंट रहता ही नहीं है। तो मतलब अगर आप कहोगे क्लाइंट इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस प्रोसीजर, जो अपन SA 220 और SQC 1 में पढ़ते हैं, वो तो हमको दिखते नहीं थे एक लेवल पे। बट हाँ, जैसे वहां पे लिखा होता है इंडिपेंडेंस की कंफर्मेशन होगी, तो अगर मुझे किसी क्लाइंट पे डाला गया तो मेरे से एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर में फॉर्म भरवाते थे इंडिपेंडेंस का, कि राइट हाँ कोई दिक्कत तो राइट नहीं है, मेरी फैमिली ने कोई शेयर तो नहीं खरीद रखा, मैंने कोई शेयर तो नहीं खरीद रखा, वो राइट सारी कंफर्मेशन लेते थे। तो मुझे राइट लगा यार ये तो वही है जो SQC 1 में हमने पढ़ा था, तो वो सब हाँ चीजें होती थी। दूसरी चीज मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, एज अ आर्टिकल उन्होंने मुझे बोला कि जाके चेक करके आओ ये इस बार के हमारे परचेजेस के, उन्होंने मुझे कुछ सैंपल निकाल के दिए थे, मैंने चेक करे, मैंने कहा इनवॉइस देखना है, पीओ देखना है, जीआरएन देखना है, मैं जाके चेक करके आ गया। तो शाम को मैं निकल ही रहा था घर के लिए, मेरा पार्टनर, मेरा जो एंगेजमेंट मैनेजर है, उसने मुझे रोक लिया, कह रहे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा घर जा रहे हो, और क्या शाम के 7:30 बज रहे हैं। कह रहे रुको, तुमको मैंने सुबह सैंपल चेक करने के लिए दिए थे? मैंने कहा हाँ दिए थे। कहते दिखाओ क्या किया? मैंने कहा दिखाओ का क्या मतलब है? आपने कहा था चेक करके आ, मैं चेक करके आ गया, आप भी जाके देख लो। कह रहे जाके देख लो का क्या मतलब है? कल को पार्टनर बोलेगा दिखाने के लिए तो तुम बोलोगे जाके देख लो? मैंने कहा हाँ उसी के पास है ना। कह रहे भाई तुमको वो चीज डॉक्यूमेंट करनी है। तब मुझे समझ आया SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ओबटेन, कंक्लूजन रीच्ड। राइट वो एक लाइन बोलते हैं बड़ी प्यारी, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज वर्क नॉट डन। ठीक ठीक राइट है, राइट ये राइट यूनिवर्सली लाइन चलती है। तो राइट आई बिल्कुल गॉट दीज थिंग्स टू लर्न, प्लस मुझे जितना समझ आया प्लानिंग समझ आई, ऑडिट प्लानिंग क्या है, ठीक है, ऑडिट प्रोग्रामिंग क्या है, कि मतलब हम सब आर्टिकल्स में ऑडिट असिस्टेंट्स में काम बांटा जाता था, सो दैट इज ऑडिट प्रोग्राम, राइट? तो वो सब राइट चीजें होती थी। फिर उसके बाद मैनेजर अपने रिव्यूज कर रहा है, जो अपन SA 220 वगैरह में पढ़ते हैं,
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मेरा तो मतलब हर चीज में मेरे मैनेजर का तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ही चलता रहता था, ये खर्चा क्यों हुआ? मैंने कहा क्यों हुआ का क्या मतलब है, जो हुआ वो हुआ, वो रिकॉर्डेड भी, उसका इनवॉइस भी है, पीओ भी है, बट नहीं, उनका नजरिया ये होता था कि क्या इस खर्चे का कोई बिजनेस रैशनल है, वॉज देयर अ नीड ऑफ डूइंग दिस ट्रांजेक्शन? तो वहां मुझे समझ आ रहा था कि अच्छा, दैट ही इज एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो ये सारी चीजें होती रहती थी। मैं एक मजेदार बात बताता हूँ आर्टिकलशिप की। मेरी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन होनी थी उसी दिन ना, वन प्लस का लॉन्च इवेंट था, तो वो कुछ वन प्लस 7 वगैरह लॉन्च कर रहे थे, तो मैं निकल ही रहा था। मैं निकल रहा था, उससे पहले मेरे मैनेजर ने मुझे बोला एंगेजमेंट पार्टनर से यूडिन लेके आ। मैंने कहा कौन सा दिन? कह रहा यूडिन। मैंने कहा यूडिन क्या होता है? कहते कोई भी सर्टिफिकेट पे साइन करने से पहले आईसीआई की रिक्वायरमेंट है, यूडिन देना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड, मैं लेके आता हूँ। आप मानोगे नहीं, इंस्टीट्यूट ने नवंबर 20 के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया कि एक सीए ने बिना यूडिन जनरेट करे टैक्स रिपोर्ट साइन कर दी, बताओ कौन अच्छा से क्लॉज में गिल्टी? मटेरियल में नहीं है, प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल पूछ लिया। मैंने कहा यार ये आईसीआई का प्रोविजन है, आईसीआई की गाइडलाइन है, तो पक्का यहाँ पे आईसीआई वाला जो क्लॉज है, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल लगेगा। वो सवाल मैं लिख के दे सकता हूँ 99.99% बच्चों ने गलत किया होगा उस टाइम पे, बट आर्टिकलशिप काम आ गई कि हाँ मेरे को मेरे मैनेजर ने बोला था ये जनरेट करा के लाना और आईसीआई की रिक्वायरमेंट है, तो अपना यहाँ पे ये बन गया। सो प्रैक्टिकली सारी चीजें, मतलब आई हैव सीन हाउ दे वर्क, फ्रॉम डेलीगेटिंग द वर्क टू रिव्यूइंग द वर्क टू अल्टीमेटली साइनिंग द रिपोर्ट, हैविंग दोस कॉन्वर्सेशन, हीटेड कॉन्वर्सेशंस विद द मैनेजमेंट कि भाई इसका ट्रीटमेंट ये होना चाहिए, नहीं, इसका ये होना चाहिए, इसको छोड़ दो, इमटीरियल है। तो सीन इट ऑल इन दोस 3 इयर्स। तो शुभम, यस जैसे आपने ईवाई में जैसे ऑडिट करा है, 3 साल वहां गुजारे हैं, ठीक है, तो आपने आपको ऐसा जो लगता है कि यार ये मैंने बड़ी धांसू ऑब्जर्वेशन निकाली थी, जो आपका जो मैनेजर है खुश हो गया इस ऑब्जर्वेशन, यार भाई क्या निकाल के लाया ऑब्जर्वेशन, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन अगर कुछ है, कोई ऑब्जर्वेशन आपको लगता है कि याद आ रही है कि यार ये ऑब्जर्वेशन थी जिसमें मजा आ गया था? यार देखो, मैं बताता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट किए, बहुत ज्यादा मजे करे, एंड ये ना चीज ऐसी जो आपने बोली ना ऑब्जर्वेशन, ये ना फर्स्ट ईयर में तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आप बेसिक बेसिक चल रहे होते हो, बस जो जैसा बताया जा रहा है वैसा वैसा आप करते हो। सेकेंड ईयर में आप थोड़े ना विकसित होते हो। पोकेमोन देखा है बचपन में? पोकेमोन, हाँ बिल्कुल देखा है, वो तो देखा हाँ है, देखा ना, पिकाचू विकसित होकर राइचू बन जाता है, तो आप भी सेकेंड ईयर में राइट राइचू बन जाते हो, तो पावर अच्छी आ जाती है। तो सेकंड ईयर में ना मैं क्या था, मेरे को ना एक क्लाइंट मिला था, आपने खाई होगी ब्रेड हार्वेस्ट की, नॉर्थ इंडिया में बहुत चलती है। तो राइट, वही वही लिखाते हैं। हाँ, हार्वेस्ट की ब्रेड चलती है, तो हार्वेस्ट का जो प्लांट है ये नोएडा में ही है। तो मैं ना बड़ा शैतान आर्टिकल था, मुझे ये दूर का क्लाइंट देते थे, मैं कहता था कैसी बातें कर रहे हो, जब मैं नोएडा में बैठू नोएडा का दो ना, क्योंकि तुम बाहर वाले को नोएडा भेजोगे, तो नोएडा वाले को नोएडा भेजो। तो मैंने नोएडा वाला ले लिया था वो। तो मैं जब गया उनके प्लांट पे, तो उनके प्लांट पे ना बेसिक काम हमारे का क्या था, स्टॉक ऑडिट करना था। वही जब न्यू ईयर ईव पे बाकी पार्टी कर रहे होते हैं, अपन ब्रेड गिन रहे थे, तो मैं ब्रेड गिन रहा हूँ बैठ के कि कितनी ब्रेड है, बड़े और बड़ी, तो खुशबू अलग ही आती है, मजा आ जाता है वहां पे जाके। वो बेकरी की जो स्मेल है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। वहां पे अपन जब ब्रेड गिन रहे थे और ये सब चीजें चल रही थी, इसी के बीच में वी हैड टू ऑल्सो इनकॉर्पोरेट वन थिंग, दैट इज अ एम्प्लॉय काउंट। मैंने कहा यार ये कब से होने लग गया, 501 में पड़े इन्वेंट्री काउंट होना चाहिए, इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करेंगे, इम्प्लॉय काउंट कब से हो गया? सो दे माय मैनेजर टोल्ड मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार यहाँ पे ना बीइंग अ फैक्ट्री देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ डमी वर्कमैन। मैंने कहा वाओ, ये तो बड़ी मस्त चीज मिली। हम बोलते ना फिक्टिशियस पेमेंट टू इम्प्लॉयज, तो देयर इज अ रिस्क, तो इस रिस्क को हम मिटिगेट कैसे कर रहे हैं, 1 साल में एक बार जाके इम्प्लॉय काउंट करके। मैंने कहा ये तो बहुत ही खराब तरीका है। तो फिर उस टाइम पे मैंने एक चीज निकाली, यार एक दिन के लिए तो इम्प्लॉयज हमेशा अरेंज हो ही सकते हैं, व्हाई भाड़े पे ले नॉट? आए, भाड़े पे हाँ, लेकर आ भाड़े गए। पे लेके आ गए, लेबर चौक गए होंगे, लेबर चौक पे हाँ बोला 500 500 रुपए सारे आ जाओ, सब कुछ लूट के आ गए। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है, और ये चीज तो पूरे साल में इनका कंट्रोल होना चाहिए ना इसके ऊपर, तो रिस्क तो इनकी है। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एक्चुअली रिकमेंडेड देम कि भाई ये तो बहुत बड़ी रिस्क है जिसमें हमको उल्लू बनाया जा सकता है इजीली एज अ ऑडिटर। सो फॉर दैट दे शुड हैव अ इंटरनल कंट्रोल कि जब भी एम्प्लॉय वहां फैक्ट्री में जाए उसका बायोमेट्रिक होना चाहिए। ये थोड़ी है
तुषार प्रेजेंट सर, शुभम प्रेजेंट सर, वहां पे कोई फिजिकली लगा रहा है, बायोमेट्रिक करो राइट और उस बायोमेट्रिक को आधार से लिंक करो, कहीं ना कहीं उनके आधार वगैरह कनेक्टेड होने चाहिए। सो फिर जब उसी यूनिट का हमने 31 मार्च किया ना, 31 दिसंबर के बाद बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल हो चुके थे, और तब मैंने इंप्लॉइज को तो वेरीफाई किया, साथ साथ उनके आधार कार्ड भी मंगाए, ताकि हमारे पास जो साल भर के रिकॉर्ड्स में आधार नंबर चढ़े हुए हैं मैं उससे उनको मैच कर सकूं। अब इसके लिए बड़ी मेहनत लगेगी कि वो बंदों के इंप्लॉइज का बायोमेट्रिक भी हैक करें, आधार भी हैक करें। तो अपन क्या कर सकते हैं ना, वही है, देर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंट्रोल ना लगाओ। तो वो आई थिंक एक वैल्यू मैंने वहां पे ऐड की थी, जो मुझे लगा था कि यार यहाँ पे बड़ी टेढ़ी रिस्क है जिसमें ऑडिटर को इजीली उल्लू बनाया जा सकता है। राइट तो राइट वो राइट मुझे बड़ी मस्त चीज लगी थी। एंड या मैं कहता हूँ ना, ऑडिट चीज ही बढ़िया है अगर आपका कॉमन सेंस चलता है ना, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को जिंदगी में ना कुछ मजेदार रोज करते रहना है, राइट ऑडिट इज द थिंग। मैनेजमेंट के साथ बैठते हो, सीनियर्स के साथ बैठते हो, जूनियर्स के साथ बैठते हो, फुल ऑन इंटरेक्शन चलती रहती है, मजा आता रहता है। राइट 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 तो यस मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब जो ऑडिट में जो चीजें लिखी हुई है दैट्स ओके, लेकिन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म जैसे आपने यहाँ पे क्या करा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म यूज करा कि यार ये गड़बड़ हो सकती है ना। आपने हाँ आप गए वहां पे लोकेशन पे गए, आपने देखा कि यार अच्छा इस लोकेशन पे इस तरीके की गड़बड़ हो सकती है, और वो फिर आपने इंस्टॉल कराया। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बड़ा अंडररेटेड है कि यार अगर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आप ना सिर्फ ऑब्जर्व करो जाकर चीजों को, जो मेरे को है हाँ पर्सनली मैं भी यही करता हूँ। मतलब मैं जब जाता हूँ जैसे जो मेरे साथ जूनियर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पे मैं प्रोफेशन मतलब मैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि क्या है डॉक्यूमेंट जो जो उन्होंने अरेंज कर रखा है, पहले मैं देखता हूँ कि माल आ जा रहा है, परचेज और सेल जो ये बोल रहे हैं इतने 1000 करोड़ का टर्नओवर है, उतने हिसाब से ट्रक आ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेबर काम कर रही है या नहीं कर रही, प्रोडक्शन चल रहा है नहीं चल रहा। तो ये जो चीजें हैं जैसे आपने बोला यस दिस वाज वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, उसके अलावा और कुछ शुभम आपको लगता है कि और मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक बेसिक यार कंट्रोल्स में ना मेरे को लगता है कभी कोई दिक्कत निकलती ही नहीं है। जैसे कि मतलब एक बार मैंने परचेजेस के किए थे टीओसी वगैरह, उसमें एक आध जगह ना कोटेशन वगैरह मिसिंग होती है, ठीक है, मतलब देर इज अ इंटरनल कंट्रोल की 3 कोटेशन तो लेनी लेनी है, तो एक आध जगह इन्होंने नहीं भी ले रखी होती। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ना कुछ आपको समझा के लटका ही देता है कि भाई इसमें कोई जरूरत नहीं थी, इसमें चलता है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बोलूँ कोई मेजर डेफिशिएंसी कभी निकल के आई हो, आई डोंट थिंक ऐसा आया। मैं एक रीजन भी बताता हूँ, पता है क्यों नहीं निकल के आती है सब चीजें। ईवाई बीइंग अ बिग फोर, वो क्लाइंट्स ही हमेशा ऐसे उठाता है जहां चीजें मोस्टली सिंक में चल रही होती हैं, आप समझ रहे हो, राइट जहां गड़बड़ होगी ना, गड़बड़ वाली कंपनी कभी भी ईवाई के पास नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है भाई ये बिग फोर है, इसकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल है, जिसकी वैल्यू कई ज्यादा है किसी भी कंपनी से इंडिया की। राइट तो वो मुझे एक चीज लगती है कि बीइंग इन ईवाई वहां पे आई वाज सॉर्टेड, कि यहाँ झंझट ज्यादा नहीं थे इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये सब चीजें इतनी नहीं थी, तो बढ़िया था। आई थिंक सीखने को काफी मिलता है, आप अपना दिन प्लान करना सीख जाते हो इन सब चीजों से, बिग फोर में जाके सुबह सुबह जाते हो, देखते हो आपका सीनियर, मेरे को अभी यहाँ पे दिख नहीं रही, डायरी लेके बैठते हैं, टू डू लिस्ट बनाते, एक एक करके राइट राइट लगाते जाते हैं, और राइट हमेशा ना राइट उनकी फायर रहती है। मैंने एक चीज देखी है, अगर आप बिग राइट फोर में देखोगे ना सब लोगों को, दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज, खट 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 खट, कॉल उठाई वापस रखी, खट 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 खट, एक बार उनसे पूछ के आना उसका क्या हुआ, भाई उनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, उन्होंने अलग ही क्वाड्रेंट्स बना रखे हैं हर चीज के लिए। सो आई थिंक दैट्स फिनोमिनल, एंड वो चीज मुझे मेरी स्टडी लीव्स में काफी काम आई। आई राइट फील मुझे अपना दिन मैनेज करना काफी अच्छे से आ गया। राइट 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 मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है कि हमारे पास क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम बिग फोर को ज्वाइन करते हैं। तो देर आर वेरियस बेनिफिट, जैसे आपने बोला वन ऑफ द बेनिफिट इज दिस, तो उसके अलावा काफी सारे बेनिफिट्स हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बिग फोर एटलीस्ट आपको कुछ टाइम काम करना चाहिए बिग फोर के अंदर, क्योंकि आपको जानने को मिलता है यार एक्चुअल में किस तरीके से चीजें होती है ना। और जो हम थियोरिटिकली पढ़ रहे हैं जैसे आपने बोला, यार ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट में वो चीजें नहीं होती, ठीक है, जो हम जो थियोरिटिकली पढ़ रहे हैं, बट अगर हम बिग फोर में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें दिखेंगी हमें कि यार ये जो पढ़ाया है शुभम सर ने हमें, ये सारी की सारी तो यहाँ बिग फोर में है ना। तो यस चीज तो है। अच्छा शुभम, अब कुछ एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, मतलब आपके पास भी टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा बट अरे नहीं, स्टिल टाइम ही टाइम है इस सब के लिए, तो टाइम ही टाइम है, पूछो। अच्छा शुभम, जैसे आपको क्या लगता है एक ऑडिटर का रोल, एक स्टैचुरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर क्या रहने वाला है अपकमिंग डेज के अंदर, क्योंकि
काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर एआई आ जाएगा तो इस तरीके से सारा का सारा हमें फिर सैम्पलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एआई आ जाएंगे तो इस तरीके से ब्लॉकचेन का कुछ मेथोलॉजी इस तरीके से बन रही है, अभी डेवलप हो रही है, जिसके अंदर आपको सैंपल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक वो आपको करके दे देगा। तो आपको क्या लगता है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है कि क्या रहने वाला है एक ऑडिटर का रोल इन फ्यूचर? यार मैं फ्रेंकली बताऊं, जहां पे भी जजमेंट इन्वॉल्व है ना, वहां एआई रिप्लेस कर ही नहीं सकती। आई फील सो, वेर एवर इट इन्वॉल्व सम एप्लीकेशन ऑफ माइंड ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो मुझे नहीं लगता एआई कभी रिप्लेस कर पाएगी। रीजन बींग मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आजकल आप देखोगे एडिटेड इमेजेस है, एडिटेड वीडियोज है, इन सब के लिए क्या है, आप एक फॉर्मूला डाल सकते हो, कोडिंग डाल सकते हो और वो कर रहा है काम अपने हिसाब से, ठीक है। बट अगर आज मैं कहूं सामने एक इनवॉइस पड़ा है, उसमें हर वो चीज है जो एक ओरिजिनल इनवॉइस में होनी चाहिए, ठीक है, बट मुझे देखते ही पता लग रहा है कि यार नहीं, ये तो फेक है, ये तो इन्होंने खुद ही बनाया है। रीजन बींग इस इनवॉइस में जो खर्चा हुआ हुआ है, जैसा आपने कहा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, राइट क्या ये राइट खर्चा इस बिजनेस में होने की नीड भी थी क्या? बिल्कुल मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी भारत पे का फिएस्को हुआ था, ठीक है, कितने सारे सवाल उठे थे अश्विनी ग्रोवर पे कि भाई ये पता नहीं कौन सी डाइनिंग टेबल ले ली, कौन से इन्होंने अपने पार्लर के खर्चे डाल दिए। अब यार एक ऑडिटर का काम था पार्लर के खर्चे पे सवाल उठाने का, राइट उसने नहीं किया, उसकी गलती है, राइट समझ रहे हो। एआई कैसे करेगा? एआई को आप कितने कोड डाल के दोगे कि भाई ये खर्चा नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं की तो लिमिट ही नहीं है और हाँ की भी नहीं है। आपको कैसे पता कौन सी चीज रैशनलाइज्ड है कौन सी नहीं है? एंड आप ऑडिट पूरा पढ़ लो, हर चीज में ये लिखा है इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये राइट पूरा पूरा गेम ही प्रोफेशनल जजमेंट पे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की जजमेंट, ऑडिट ऑडिटर की जजमेंट। अब जब दोनों जजमेंट जजमेंट खेलेंगे, वो हो ही नहीं सकता कंप्लीट जब तक दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो, राइट ठीक है, चाहे राइट इंटरनल ऑडिट हो चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट हो। राइट हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन, जो कि आज की डेट में भी अभी ऐसा ही है, एक बंदा एंट्री डालता है, वो अपने आप पोस्ट हो जाती है, अपने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के रेडी हो जाते हैं, वो सब चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू एडजस्टमेंट एंट्रीज, व्हेन इट कम्स टू प्रोविजन एंट्रीज, व्हेन इट कम्स टू रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये सब तो भाई मैनेजमेंट आखिरी में ही डालता है, और ऑडिटर का बिल्कुल भी फोकस सारा इन्हीं चीजों पे होता है। तो मुझे तो लगता है एआई अगर आ जाता है, मैंने खुद देखा था ईवाई में प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स वगैरह वो बनाते थे, मतलब काफी एआई यूज करके वो देवर ट्राइंग टू फाइंड द वेरिएशन। अपन जो करते हैं ना एस 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, कि ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ये ट्रेंड में डिप कैसे आया, ऊपर कैसे गया, तो वो ले जाके आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हो। मुझे लगता है ऑडिटर के काम की चीज है, वो कहीं ना कहीं राइट उसको हेल्प ही करेगा। बट राइट और आप कह सकते हो ऑडिट विल बिकम अ मोर एफिशिएंट प्रोसेस, राइट कि हाँ आप गधे घोड़े की तरह हर हर ट्रांजेक्शन को आप अलग अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। सैम्पलिंग अब नहीं आप करनी, जो थोड़ा आप बैठ के वो हाँ 500 सैंपल जो चेक करते रहते हो वो करने की जरूरत हाँ नहीं पड़ेगी, उतना वो शायद एक करने की जरूरत ना पड़े। राइट हाँ राइट 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 तो आपका मतलब अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आप ये कहना चाहते हो कि ऑडिट बेसिकली प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, आप कोई भी चीज कर रहे हो वहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, और वो एक ह्यूमन माइंड ही अप्लाई कर सकता है वो चीजें, जो आपके पास एक्सपीरियंस ऑब्वियसली है, जो आप ह्यूमन टच समझ सकते हो, ह्यूमन इमोशन समझ सकते हो कि भाई पार्लर का खर्चा है, एआई को थोड़ी पता है कि वो कंपनी के लिए हो रहा है या फिर किस चीज के लिए हो रहा है, तो वो आप ही अपना माइंड अप्लाई करके उसके अंदर आप चीजें बोलते मैं रह बताऊं, सकते पार्लर का खर्चा बुरा भी नहीं है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। मेरे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मेरी बीवी पार्लर जा सकती है, उसका राइट खर्चा कंपनी रिइंबर्स करेगी, तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। बट हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा और फिर भी मिल रहा है, तो फिर दिक्कत की बात है, राइट 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 समझ रहे हो। तो ये अगेन एआई के लिए बहुत ज्यादा उसको बनाना पड़ेगा, तड़कता भड़कता, तब जाके पॉसिबल है। मेरे को अभी तो नहीं हो रहा, वो दिखता हुआ हो रहा। अच्छा शुभम, लास्ट लास्ट क्वेश्चन जस्ट आपसे, कि जैसे आपने पहले आप बता रहे थे आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप काम कर रहे थे, और आज अगर 2 साल बाद अच्छा खासा पैकेज हो गया होता वहां पर भी, है ना, तो वो सब छोड़कर क्यों आप इस टीचिंग प्रोफेशन में आए? ठीक है, तो मतलब क्यों आपने सोचा कि यार वो सैलरी वाली, मतलब वो प्रोफेशन छोड़कर सैलरी वाला, जो सैलरी आ रही है फिक्स, क्योंकि यार जब 31 तारीख को जो मैसेज बसता है ना, 30 तारीख को जो मैसेज बसता है, उसमें अलग ही सुकून मिलता है। ठीक है, तो वो मेरे को भी रियलाइज हुआ था जब मैंने जब प्रैक्टिस इनिशियली स्टार्ट हुई करी थी, तो कैसे आप कैसे आए, क्यों आए, और आपको क्या लगता है कि मतलब
क्या ये आपको लगता है कि सेंसिबल डिसीजन था? अभी रियला क्या सर रियलाइज होता है आपको उस चीज को लेकर? जब भी मैट में ना गीत ने ना एक बात बोली थी, तो वो कहती कि तुम्हारी, वो कहती कि तुम वही हो ना जिसकी मम्मी पिछले हफ्ते किसी के साथ भाग गई थी, ठीक है? तो आई थिंक कुछ इस तरह से उसने एक लाइन बोली थी। तो वो बोलता है अंश, क्या नाम होता है उसका, शाहिद कपूर, शाहिद कपूर कहता है हाँ हाँ मैं वही हूँ। एंड देन शी इज लाइक कि वाह यार तुम तो बड़े अमीर निकले, बट सॉरी मैंने तुम्हारी मम्मी के बारे में ऐसा बोला। तो कहता है कि वो एक बड़ी अच्छी लाइन बोलता है कि नहीं तुमने सही बोला, उन्होंने करी इतनी छोटी हरकत थी। तो कहती है आपको उनकी मम्मी के बारे में ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज जब इंसान प्यार में होता है ना तो कुछ सही कुछ गलत नहीं होता, ठीक है? सो आई फील टीचिंग वॉज लव फॉर मी, इट वॉज द पैशन फॉर मी। तो आपने बोला ना कि वो सेंसिबल डिसीजन, तो पॉइंट ये कि उस टाइम पे ना आप ये नहीं सोचते क्या सेंसिबल है क्या नॉन सेंसिबल है, बिकॉज आपको अगर सही लग रहा है वो आपका प्रोफेशन है, सो दैट इज राइट। तो मैं वही बोलूंगा, जब आपको किसी चीज से लगाव है वो आपके लिए सही है, डोंट थिंक अबाउट द सोसाइटीज क्राइटेरिया, पैसे आएंगे कितने आएंगे आगे क्या होगा, जो होगा देखी जाएगी। मुझे बताओ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा बोलते हैं लोग, आपको क्या पता आगे क्या होगा, मुझे क्या पता आगे क्या होगा। शाहरुख खान बोलता है कल हो ना हो में, जियो मुस्कुराओ खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो, ठीक है? तो यू नेवर नो ना। अब अगर मैं आज सोचूं मैं 24 साल का हूं, मेरे को जॉब मिली है, मुझे 3-4 साल एक्सपीरियंस लेना चाहिए इंडस्ट्री का, एंड आफ्टर 28 और 29 आई विल गो इन द टीचिंग लाइन, बट मेरे पास 4 साल हैं, ये गारंटी कौन दे रहा है मुझे? ये तो कोई देने वाला है ही नहीं। सो मैं बताता हूं, मुझे एक शिद्दत से लगाव था कि मुझे अपना कुछ करना है, टीचिंग करनी है, ये मेरे को कॉलेज के टाइम से ही था कहीं ना कहीं से। दूसरी चीज, टॉकिंग अबाउट द मॉनिटरी टर्म्स, आई फेल्ट जॉब इज अ ड्रग जो मुझे एडिक्टिव बना रही थी ओवर द पीरियड। जैसा आपने कहा, मुझे पता है मुझे वो छोड़नी है, बट जैसे ही 31 तारीख को पैसा आता है मैं खुश हो जाता हूं और वापस लग जाता हूं। तीसरी चीज, मैंने इसको पढ़ा था साइकोलॉजी ऑफ मनी में, जब आपका ये ड्रग का भी इफेक्ट खत्म हो जाता है ना सैलरी का, तब आपको प्रमोशन से लुभाया जाता है कि तुम 2 साल काम कर लो फिर तुमको प्रमोट करेंगे। यू आर गेटिंग मी? तो मुझे ना ये दोनों चीजों की कभी लालच थी नहीं। रीजन बीइंग आई विल टेल यू, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई एम अ सेकंड जनरेशन सीईओ ऑफ माय हाउस। तो फर्स्ट जनरेशन माय फादर हैज डन ऑल द स्ट्रगल, ही हैज डन द स्ट्रगल ऑफ बाइंग अ कार, ही हैज डन द स्ट्रगल ऑफ बाइंग अ हाउस। ये दोनों मेन जो काम होते हैं ना, जो आई थिंक हर इंडियन मिडिल क्लास सोचता है यार अपना एक घर अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए, वो थी। और मेरी कोई एस्पिरेशन नहीं है कि अब मुझे स्विफ्ट डिजायर को ऑडी में बनाना है, या इस स्विफ्ट डिजायर की मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, नहीं। आई एम हैप्पी सिटिंग इन अ 4 सीटर कार, ठीक है? सेम गोज विद हाउस, मेरे लिए हाउस का सिर्फ एक मीनिंग है, यहाँ रहना होता है रात को, और इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। सेम गाड़ी का कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है। एंड आई एम ऑल्सो सिंधी, तो मैं थोड़ा फ्रूगल लाइफस्टाइल में बिलीव करता हूँ कि मुझे ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, मुझे ज्यादा दिखावा नहीं करना, आई वॉन्ट सम पीस ऑफ माइंड। तो ये मेरे कुछ फैक्टर्स थे जो आई एम श्योर कि सोसाइटी के कई सारे लोगों से थोड़े डिफरेंट हैं। कई लोग लोग बड़े लोग कहते हैं यार तू एस्पिरेशनल नहीं है, मैंने कहा हाँ नहीं हूं, आई एम कंफर्टेबल, फॉर मी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए। एंड रही बात जॉब की, एक चीज और है जो मॉनिटरी फैक्टर है, मुझे लगता है कि आपको महीने भर का खर्चा निकालने के लिए, बीइंग अ सिंगल पर्सन, मतलब अभी तो कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज खास है नहीं इन टर्म्स ऑफ बीवी बच्चे, तो आई फील आपका खर्चा मैक्सिमम कितना होता होगा, 25-30 हजार, उससे ज्यादा खर्चा है ही हमारे। तो वो 25-30 हजार कमाना एज अ क्वालिफाइड सीए, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन इजीली अर्न दैट अमाउंट। तो मैंने उस कंफर्ट के साथ जॉब छोड़ी थी कि भाई इतना तो मैं कमाई लूंगा, 25-30 हजार, ज्यादा की एस्पिरेशन है नहीं, वो कर रहा हूं जो पसंद है, सो लेट मी डू इट। तो यार ये सुन के काफी अच्छा लगा कि मतलब यही थॉट प्रोसेस मेरा भी था जब मैंने छोड़ी थी कि यार ठीक है कम से कम इतना तो कमा ही लेंगे, अपना गुजारा तो कर ही लेंगे। तो शुभम ये तो यार था, आपका तो काफी कुछ जानने को मिला आपसे, काफी कुछ सीखने को भी मिला। तो कुछ क्लोजर लाइन आपकी तरफ से, जो लोग प्रैक्टिकली ऑडिट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, इंट्रो ऑडिट में जाना चाहते हैं, स्टैचूटरी ऑडिट में जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप बोलना चाहो? मैं कहूंगा कि यार ऑडिट को ना इस नजरिए से देखो कि अगर आप आगे जाके अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, दिस इज द एमबीए,
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बिजनेस को एंड टू एंड समझ लेते हो पहले तो, क्योंकि ऐसे 315 क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड इट्स प्रोसेसेस। सो मैं भी आज अगर अपना बिजनेस बनाऊंगा तो मुझे पता है कि रेवेन्यू के एरिया में मुझे किस तरह से उसका प्रोसेस डिजाइन करना है, क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या क्या उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं। ठीक है, सो पीपल टेक इट एज अ वेरी अंडररेटेड एरिया कि यार मतलब अगर कुछ नहीं हो रहा तो चलो ऑडिट चले जाते हैं, बट आई फील अगर आप वहां जाते हो, आप वहां चीजें अच्छे से सीखते हो, यू डेवलप ओवरऑल एज एन इंडिविजुअल, यू डेवलप ओवरऑल एज अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सो दैट इज वॉट आई फील इज द ऑडिट गेम ऑफ ऑडिट। और आपको ऑडिट करना भी इसी नजरिए से चाहिए कि आप वहां पे जब एक क्लाइंट कर रहे हो ना, आपको उस क्लाइंट का इन आउट पता चल जाए। देखो फाइनेंशियल्स तो सामने है ही, धंधा आपने समझ लिया, प्रोसेसेस आपने समझ लिए, इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ बचता है। और आपने 3-4 साल अगर ऑडिट कर लिया, दो तीन वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स कर लिए, एक सर्विस इंडस्ट्री का, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, एक टेलीकॉम वगैरह, मतलब अलग अलग तरह फाइनेंशियल सर्विसेज का कर लिया मान लो, अगर आपने दो तीन इस तरह के वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स कर लिया, आपको पूरी पूरा सब सब धंधा समझ आ जाएगा। तो जो चीज आप किताब में एज अ एमबीए करोगे, वो आपने प्रैक्टिकली जा जाके क्लाइंट विजिट्स कर करके सीख ली, और इसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो सोने पे सुहागा, तो राइट। इससे अब अच्छा क्या ही जैसे हो सकता। जैसे अब इवन आज भी मैं अगर मैं बात करूं, जब मैं किसी कंपनी में जाता हूं, जो वहां पे डायरेक्टर से मिलता हूं, तो यार वो बंदा जो है, अब मेरी उसके सामने कुछ औकात नहीं है, लेकिन उसको मैं समझाता हूँ, वो मेरे को समझाता है कि मतलब उससे इतना सीखने को मिलता है मेरे को जब वो बताते हैं मेरे को, कि क्योंकि उन्होंने यार मतलब मैं 1,000 हज़ार 2,000 हज़ार 5,000 करोड़ की कंपनी का जिनका टर्नओवर है उनसे मिलता हूँ डायरेक्टर से जाके, और वो चीज़ों को बताते हैं कि मेरी कंपनी किस तरीके से रन कर रही है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है। क्योंकि जब आप एक लेवल पे जो मैनेजमेंट हो, जो बंदे होते हैं, जो फाइनेंस वाले बंदे होते हैं, एचआर वाले बंदे होते हैं, जब उनसे नहीं हो पाती चीज़ें, तो आप सीधा उस मालिक के पास जाते हो जो मैनेज कर रहा है ओवरऑल ऊपर बैठ कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ऑडिट जो प्रोफेशन है, इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई प्रोफेशन में आप डायरेक्टली जाके इस तरीके से आप जाके बात कर सकते हो, समझ सकते हो, उसको पॉइंट आउट कर सकते हो, भाई तेरे बिजनेस में ये दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है मेरे को बता। डायरेक्टली जाके हम इस तरीके से बोलते हैं उनसे कि यार आपके वो बंदे एग्रीड रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, आप बताओ किस लिए आ रही है। और जब आप उनके सामने बैठते हो तो एक जो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप हो जाता है, और चीजें काफी कुछ सीखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो माइंड है ना वो इतना ऑनेस्टली, जब वो क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं, जैसे अगर मैं किसी बंदे से मिलता हूँ तो पूरा वर्ल्ड के अंदर सप्लाई कर रहा है, और वो पूरी चीजें बताएगा आपको कि यार यहाँ पे मेरे को यूरोप में जाने में ये चैलेंज आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये दिक्कत आ रही है, अमेरिका में ये दिक्कत आ रही है, आपको इकोनॉमी के बारे में पता चलता है फिर। तो ऑडिट मतलब बिल्कुल जैसे एज यू सेड, बिल्कुल जो ये प्रोफेशन है आपको खोल देता है, बिल्कुल ढंग से खोल देता है, और आपको जो भी चैलेंजेस जो भी आप करना चाहते हो उन सब चीजों के लिए रेडी करता है मेरे हिसाब से। शुभम थैंक यू सो मच यार, आपने टाइम दिया अपना, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। सो होपफुली अगर स्टूडेंट्स या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं, वो अगर पॉइंट अपने बताना चाहे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो होपफुली शुभम के साथ हम नेक्स्ट टाइम दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच शुभम। Thanks a lot, Tushar, for having me, and I hope everyone takes a lot and lot of value from this session. And yes, they also pursue what they will believe in because it's one life. Make it large. Ciao. थैंक यू। ओके तो होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर मजा आया होगा, अगर वीडियो यार आप लोगों को पसंद आई है और आप चाहते हैं कि किसी और को भी बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आप किसको चाहते हैं कि किसका इंटरव्यू लिया जाए, किसके बारे में जाना जाए वो मेरे को और बताइए, सो दैट उनको भी हम अपने चैनल के ऊपर इन्वाइट कर सकें, है ना। सीए प्रोफेशन से ही हो ठीक है, और किसी मतलब मैं उन्हीं को बुलाना चाहता हूँ अभी एज ऑफ नाउ, तो सीए प्रोफेशन से ही हो, तो जो भी है आप मेरे को बताइए, वी विल ट्राई कि उनको भी लाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।